हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि AQ55A का ब्लॉक डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि AQ55A क्या है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम इसको रिलेट करते हैं एक्सटेंशन केबल से। जैसे देखिए, आपको घरों में पता है कि अगर कहीं किसी प्लेस पे अगर सिंगल सॉकेट पिन हो, ठीक है ना, सिंगल सॉकेट हो और उससे आपको कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो, तो आप क्या कर लेते हैं कि एक्सटेंशन केबल का यूज कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो बाकी डिवाइसेस को आप उस सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जब भी माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट किया जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस से, तो हम यहाँ पे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस IC का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं AQ55A, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं PPI, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस IC। ये क्या, बेसिकली 40 पिन की IC होती है। अच्छा, 40 पिन की IC। अब जैसे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे इनपुट जो डिवाइसेस हैं, जो भी टीवी फ्रिज कूलर हैं, उसको हमने यहाँ इस जगह पे कनेक्ट किया है। इस जगह को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं भाई पोर्ट्स। इनको क्या बोलते हैं, पोर्ट्स। उसी तरीके से 40 पिन में से हम कुछ एक पिन्स दे देते हैं भाई कि ये पोर्ट्स की तरह यूज होंगी, जहाँ पे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो 24 पिन में से इस तरीके से बाइफरगेट कर लेते हैं हम, कि 8 पिन्स को हमने बोल दिया कि भाई ये पोर्ट ए है, ठीक है, और इनको इनका नामकरण कर दिया PA0 से लेके PA7। उसी तरीके से PB0 to PB7 ये ग्रुप बी हो गया, और ग्रुप सी होता है PC0 से लेके PC7। लेकिन ग्रुप सी को हमने दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर लिया है, पोर्ट सी अपर और पोर्ट सी लोअर, ठीक है। तो अब इनको हमने चार, आप पोर्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, इनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक्चुअली जब ऑपरेटिंग मोड्स डिस्कस करे जाते हैं, तो उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए का पार्ट हो गया पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर, ग्रुप बी का पार्ट हो गया पोर्ट सी लोअर और पोर्ट बी। अच्छा, तो अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, यहां सबसे पहले हम इंटरनल डेटा बस ले लेते हैं। ये क्या है, इंटरनल डेटा बस। तो यहां मेंशन कर देते हैं इंटरनल डेटा बस। अच्छा, ये एक्चुअली वो जगह है जहां हम मानते हैं कि किसी भी IC में भी डेटा फ्लो होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें कनेक्शंस वगैरह होंगे, ठीक है। ये एक बैकबोन की तरफ मान सकते हैं कि जो बॉडी में बैकबोन होती है, इस तरीके से ये इंटरनल डेटा बस है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है लेफ्ट हैंड साइड में, वो जो डेटा सेंड करेगा वो किस जगह सेंड करेगा, तो उसके लिए एक हम यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं। उस ब्लॉक को बोलते हैं डेटा बस बफर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डेटा बस बफर। यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं डेटा बस बफर। तो इसमें इनपुट आउटपुट क्या होंगे, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर से जो भी वही मसाला आएगा, यहाँ पे डेटा आ रहा होगा या माइक्रो प्रोसेसर कुछ जाएगा डिवाइसेस से, ठीक है। वो किन लाइंस पे जाता है, वो बाई डायरेक्शनल डेटा लाइंस पे जाता है, जिनको हम डेजिग्नेट करते हैं, नामकरण इनका क्या है, D0 to D7 इनको बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर से आ रहा है, वो डेटा इंटरनल डेटा बस पे जाएगा और उसके थ्रू ही बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर का साइन, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया ना कि ये चार ब्लॉक हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चार डिब्बे ले लेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिए, चार डिब्बे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ डिब्बा। फोर्थ हमने यहाँ पे ब्लॉक ले, रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या क्या है बेसिकली, ये देखिए, सबसे पहला जो है वो है पोर्ट ए,
ठीक है, होल ट्री में कितनी लाइन आएंगी? 8 लाइन, सभी बताया मैंने। कौन कौन सी? PA0 से लेके PA7 तक। अच्छा, फिर पोर्ट सी अपर, और ये क्या है? पोर्ट सी लोअर। लोअर में स्टार्टिंग वाली लाइन होती है, कौन सी होती है? PC0 to PC3, और इसमें बाई डायरेक्शनल डेटा लाइंस होती है, उनको उनका नाम क्या होता है? नाम होता है PC4 to PC7। और बची हुई जो 8 लाइंस है वो क्या है? पोर्ट बी का पार्ट है, और इन लाइंस को बोलते हैं PB0 to PB7। पहले वाले जो दो डिब्बे हैं वही वो किसका पार्ट है? वो है ग्रुप ए का पार्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रुप ए, और ये क्या है? ग्रुप ए। लास्ट वाले दो डिब्बे ग्रुप बी, ये ग्रुप ए है, इसको हम अंडू कर लेते हैं। क्या है? पोर्ट ए, ग्रुप ए, और ये क्या है? ग्रुप बी, ग्रुप बी। अब भाई इनको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है कि दो और फंक्शनल यूनिट यहाँ पे लगा दी, ठीक है? एक फंक्शनल यूनिट ग्रुप ए कंट्रोल, ठीक है, और एक फंक्शनल यूनिट ग्रुप बी कंट्रोल। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, ये तो भाई ग्रुप ए कंट्रोल करेगा, ग्रुप ए कंट्रोल, और उसी तरीके से ग्रुप बी कंट्रोल। मीन्स हमने ब्लॉक डायग्राम में भाई इनका काम बांट दिया कि भाई तुम ग्रुप ए हो, तो ग्रुप ए भाई तुम इन दो बॉक्सेस को मैनेज करो, ठीक है? किसको, किन दो को? ये ग्रुप ए और ये ग्रुप ए लिखा भी है इसमें, ठीक है? इसी तरीके से ग्रुप बी कंट्रोल यूनिट क्या है? इन दो यूनिट्स को कंट्रोल करेगी, पोर्ट बी को कंट्रोल करेगी और पोर्ट सी लोअर को कंट्रोल करेगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं, उसी तरीके से इन सबको कंट्रोल करने वाली एक यूनिट और होती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो लास्ट वाली यूनिट क्या है? रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, रीड ऑब्लिक राइट कंट्रोल लॉजिक। मैंने बताया ना कि ये सबको कंट्रोल करेगी, ठीक है ना? ये सबको मैनेज करेगी, भाई कैसे कैसे काम करना है ये सबको बताएगी। तो ये देखिए, हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर इसके बाद इन दो यूनिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं इस लाइन स्केल से, ठीक है, और यहीं से एक लाइन और जाएगी जो कि बेसिकली कंट्रोल करेगी इन चार बॉक्सेस को, ठीक है ना? इसको, इसको, इसको और इसको, ये कंट्रोल कर रहे हैं मतलब, है ना? ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। अच्छा, कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल सिग्नल्स भी होंगे। अब कंट्रोल सिग्नल्स डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला सिग्नल होता है RD बार। RD बार ये सिग्नल दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है ना, कि भाई जो भी डेटा तुम्हारे पास है वो भाई हमारे पास सेंड कर दो, ठीक है ना? तो डेटा कैसे फ्लो हो जाता है? इस तरीके से, यहाँ डेटा बस बफर में जो भी मसाला होगा, डेटा होगा, वो कहाँ चला जाएगा? टू द माइक्रो प्रोसेसर, अगर हम RD बार सिग्नल एक्टिव करेंगे। इसी तरीके से WR बार सिग्नल, WR बार सिग्नल में क्या होगा कि ये जो डेटा यहाँ डेटा बस पे होगा माइक्रो प्रोसेसर की, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? वो डेटा बस बफर में स्टोर हो जाएगा, मतलब कुल मिला के वो जो डेटा है वो 8255A में स्टोर हो जाएगा, जो कि फर्दर हम सेंड कर देंगे जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस आउटपुट कनेक्ट होंगी वहां पे। इसके बाद इसमें दो सिग्नल होते हैं, A0 और A1, और एक होता है CS बार। CS बार का मतलब क्या है कि भाई कि अगर आपको IC को यूज करना है
तो इस पिन पे आपको 0 देना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया तो इस आईसी को आप यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ए नॉट ए वन का फंक्शन क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसमें बता देता हूँ आपको, इससे पहले कि इसमें एक रीसेट सिग्नल भी होता है। रीसेट सिग्नल का काम सेम होता है जैसे हम अपने फोन को रीसेट करते हैं, उसी तरीके से अगर इस आईसी को हमें रीसेट करना हो तो हम रीसेट सिग्नल का यूज करेंगे, तो जो भी डेटा यहाँ पे पड़ा होगा वो सब रीसेट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप ए कंट्रोल और ग्रुप बी कंट्रोल पोर्ट्स हैं तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर भी होगा, तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इनपुट डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, आउटपुट डिवाइस को भी, तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। और यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी कंट्रोल से कमांड आएगी इस रीडायरेक्ट कंट्रोल लॉजिक से, तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा साइन होगा, डेटा फ्लो होगा, राइट। तो ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें लास्ट बचा है क्या कि ये ए वन ए नोट और सी एस बार का क्या यूज है, तो देखिए उसको हम इस टेबल के समझ लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए जब सी एस बार की वैल्यू 1 होगी तो ए नोट ए वन की कुछ भी वैल्यू हो कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा, मतलब वो आईसी ही यूज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और जब सी एस बार की वैल्यू 0 होगी तब भी उसको यूज कर पाओगे। अब ए नॉट ए वन से ये पता लगेगा कि भाई जो डेटा आपने सेंड किया है वो पोर्ट ए के लिए है कि पोर्ट बी के लिए है, वो पोर्ट सी के लिए है कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के लिए है, ठीक है। तो 0 0 है तो पोर्ट ए, 0 1 के लिए पोर्ट बी, 1 0 के लिए पोर्ट सी, एंड 1 1 के लिए कंट्रोल वर्ड रजिस्टर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और वहां पे डेटा फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, वही डेटा है जो मैंने अभी आपको बताया है, उसी को इंग्लिश में लिख दिया है उसके ऊपर। अगर आपको चाहिए, अगर आपको रिक्वायर हो तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, टू राइट सम कंटेंट इन द एग्जाम, ठीक है ना। तो ये है, तो ये आपका इस तरीके से फाइनल ये ब्लॉक डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुली और सिंसियरली, ठीक, थैंक यू एवरीवन।